न्यूज़नाइट के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक समिति बनाई है और मुसलमानों के हमलों से जानमाल की रक्षा के लिए हिंदू भारत आना चाहते हैं। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर हालात का एक तरह से जायजा लेगी ये कमेटी, उस पर भी नजर बनाए रखेगी ये कमेटी। साथ ही साथ किस तरह से ये कमेटी भारत और बांग्लादेश के बीच आज की तारीख में जो हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को लेकर एक बड़ा मसला उठा है, उस पर किस तरह से ये कमेटी आगे बढ़ेगी, इस पर चर्चा करेंगे विशेष मेहमानों से। साथ ही कुछ अन्य खबरों में, एक तरह से 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट को किन शर्तों पर मनीष सिसोदिया को जमानत दी है, साथ ही साथ निचली अदालतों के लिए भी क्या नसीहत दी, ये भी आपको बताएंगे। इसी के साथ विपक्ष के घोर हंगामे के साथ आज राज्यसभा और लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है, तो इन तमाम खबरों पर विस्तार से देखेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बजट के अलावा लोकसभा से 4 तो राज्यसभा से पास हुए 3 विधेयक। लोकसभा की उत्पादकता 136% और राज्यसभा की उत्पादकता रही 118%। आखिरी दिन लोकसभा में बैंक खाते में 4 नॉमिनी जोड़ने से जुड़ा बैंकिंग बिल पेश। भारतीय वायुयान बिल पास। सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में जमकर हंगामा। सभापति जगदीप धनखड़ के बारे में समाजवादी पार्टी की जया बच्चन की असंसदीय टिप्पणी पर बवाल। विपक्ष का वॉकआउट। एनडीए के तमाम दलों ने जया बच्चन के बयान पर जताई आपत्ति। जेपी नड्डा ने जया बच्चन के खिलाफ पेश किया निंदा प्रस्ताव। वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव से जुड़े बिल पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन। लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद होंगे सदस्य। अगले सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक रिपोर्ट देगी समिति। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू का किया अभिनंदन। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों का जायजा करने पहुंचे चुनाव आयोग के दल का 2 दिन का दौरा पूरा। राजनीतिक दलों के साथ ही पुलिस और प्रशासन के साथ विस्तार से बात। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, चुनाव प्रक्रिया के लिए उपयुक्त वातावरण। कोई भी ताकत दखलंदाजी कर चुनाव को डिरेल नहीं कर सकती। केरल के वायनाड में राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को करेंगे दौरा। किन्नौर, वायनाड और अन्य भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लेंगे राहत कार्यों की जानकारी। राहत शिविर और अस्पताल में भूस्खलन पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। केंद्र सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का किया गठन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूर्वी कमान के ADG सीमा सुरक्षा बल भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनी इस समिति की संभालेंगे कमान। देश में आज से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स की DP पर तिरंगा लगाकर की अभियान की शुरुआत। लोगों से harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड कर अभियान से जुड़ने की अपील। और पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय पहलवान अमन सहरावत कांस्य पदक के लिए उतरेंगे मैट पर। प्योर्टोरिको के पहलवान डॉरियन टोय क्रूज से होगा सामना। अठारहवीं लोकसभा के दूसरे सत्र की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें केंद्रीय बजट 2024-25 को मंजूरी देने की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस सत्र में बजट के अलावा विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर चर्चा हुई। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी देश बांग्लादेश की स्थिति के बारे में सदन में बयान दिया। सत्र के दौरान राज्यसभा से कुल 3 और लोकसभा से कुल 4 विधेयक पारित हुए।
संसद का बजट सत्र खत्म हो गया है। बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को आम बजट पेश किया। सत्र के दौरान बजट प्रस्तावों पर चर्चा हुई और विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों को पारित करने के साथ ही वित्त विधेयक को पारित किया गया। बजट पारित होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सत्र के दौरान विधायी कामकाज को लेकर भी प्रगति देखने को मिली। सत्र के दौरान राज्यसभा से कुल 3 विधेयक पारित किए गए। His team of dedicated officers and staff has ensured that the session runs smoothly and a word of appreciation from the chair for all of them. I thank the media for covering the proceedings of the house and keeping the people informed. उधर लोकसभा से आम बजट पारित होने के साथ साथ कुल 4 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों से कुल 3 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 136% जबकि राज्यसभा की उत्पादकता 118% रही। सत्र के दौरान 65 गैर सरकारी विधेयक पुरस्थापित किए गए। लोकसभा के सत्र की कार्य उत्पादकता 136% रही। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हूं। संसद के बजट सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें हुई। बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली तो अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा भी हुई। सत्र के दौरान ओलंपिक को लेकर भारत की तैयारियों को लेकर चर्चा भी हुई। शुक्रवार को सत्र के आखिरी दिन संसद में विधायी कामकाज को लेकर खासी प्रगति भी देखने को मिली। इस बार का सेशन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। बहुत लंबा सेशन नहीं था लेकिन बजट का प्रक्रिया भी कंप्लीट हो गई और उसके अतिरिक्त और भी बिजनेस इस बजट सेशन 2024 के दौरान दोनों सदनों में पास किए गए हैं। संसद का मौजूदा सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ था जो 12 अगस्त तक चलना था लेकिन इसे शुक्रवार को ही यानी 9 अगस्त को खत्म कर दिया गया। शुक्रवार को ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर संसद की 31 सदस्यीय संसदीय समिति का ऐलान किया गया। समिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के दलों की तरफ से सदस्यों को शामिल किया गया है जिसमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं। गौरतलब है कि संसद के अगले सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बनी संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी। कुमार आलोक, नीरज सिंह और राजेश राज के साथ अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संसद का मॉनसून सत्र अब तक काफी हंगामेदार रहा है। शुक्रवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। सभापति जगदीप धनखड़ और सांसद जया बच्चन के बीच तीखी बहस हुई। राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ के लहजे पर सवाल उठाए। इस पर सभापति भड़क गए और उन्होंने जया बच्चन को मर्यादित आचरण की नसीहत दे डाली। मैं जया अमिताभ बच्चन और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है, आई एम अ पर्सन who has gone out of the way and you say my tone, I know you want to destabilize the entire nation, yes you are out to create chaos in the house. जया अमिताभ बच्चन नाम तो सुना होगा आपने। मौजूदा समय में राज्यसभा के सांसद हैं और जानी मानी अभिनेत्री भी। इनकी एक पहचान ये भी है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी हैं और उन्होंने जब राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल किया तब पूरे होशो हवास में जया अमिताभ बच्चन का नाम लिखा। अब इसी नाम से वे आए दिन राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करने वाली पीठ से पुकारी जाती हैं जिसके बाद उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जा रहा है। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल कलीग सर। सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन के वक्तव्य पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि आप होंगे सेलिब्रिटी लेकिन आपको यहाँ सदन की गरिमा का ध्यान रखना होगा। जया जी, यू हैव अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन
यू नो एन एक्टर इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर. यू हैव नॉट सीन व्हाट आई सी फ्रॉम हियर एवरी डे. आई डोंट वांट टू रिपीट. आई डोंट वांट स्कूलिंग. आई एम अ पर्सन हु हैज गोन आउट ऑफ द वे एंड यू से माय टोन. No, 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 she's given to you. No, no, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. सभापति और जया बच्चन के संवाद के बाद उच्च सदन बवाल मच गया और पक्ष और विपक्ष के सदस्य आमने सामने आ गए. नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के रवैये की आलोचना की. विपक्ष चर्चा के दृष्टि से मुद्दा विहीन हो गया है और मर्यादा विहीन व्यवहार उनकी आदत सी हो गई है. प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन होना यह सदन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रजातंत्र के मूल्यों का रक्षा करना यह सदन का कर्तव्य है. इसलिए यह सदन सर्वसम्मति से आज की घटना को सर्वसम्मति से उसकी निंदा करता है. भाजपा सहित उसके सहयोगी दलों के सदस्यों ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष के रवैये की निंदा की है. यह सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है. अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा. इट इज वेरी पेनफुल सर. वी एज सम ऑफ माय कलीग्स हैव सेड, वी कम हियर टू पार्लियामेंट to represent the voice of the people. We come here to discuss and engage on issues which are very important for the well-being and the future of our nation. मैं देखता हूँ आप बहुत accommodate करते हैं. Normally ऐसा होता नहीं है. मैं देखता हूँ वो लोग मजाक भी करते रहते हैं, लेकिन आप तब भी सब बात समझते हुए भी आप उनकी बात को, उनके भावना को accommodate करते हैं, ज़्यादा मौका देते हैं उनको, लेकिन ये उस चीज़ को appreciate नहीं करते हैं. कहीं से अप्रिशिएट नहीं करते. मुझे यही लगता है कि जो भावना व्यक्त की है हाउस के लीडर ने, हम सब उस भावना के साथ है और एक कोई न कोई कड़ी कार्रवाई उनको तो माफी मांगनी ही चाहिए. मजेदार बात यह है कि कुछ समय पहले राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जया बच्चन ने खुद को जया अमिताभ बच्चन कहा था. खुद सभापति जगदीप धनखड़ इसे सुनते ही खिलखिलाकर हंस पड़े थे. इससे पहले जब उच्च सदन में अपनी बात रखने के लिए जया बच्चन का नाम अमिताभ के साथ जोड़कर लिया गया था तो इससे नाराजगी नजर आई थी. ब्यूरो इनपुट्स के साथ शैलेंद्र राजेश राज और कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज. और सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में काफी कामकाज हुआ. अपने खातों के लिए 4 नॉमिनी देने से जुड़ा, बैंकिंग कानूनों में संशोधन से जुड़ा बिल पेश हुआ, तो भारतीय वायुयान बिल 2014 को चर्चा के बाद पास किया गया. लोकसभा में शुक्रवार को जमकर विधायी कामकाज देखने को मिला. लोकसभा में कुल 4 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए, वहीं एक विधेयक को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. लोकसभा में दोपहर बाद बैंकिंग कानूनों में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश किया गया. The interlinkage between banking regulation and that which is cooperative but banks, not the primary agricultural society, is completely getting repeated in history and every time the Banking Regulation Act has to, with due consideration, to come with a delayed step. This is one of the reasons why, not just the Banking Regulation Act, but those related to this, we are doing it at one go. We can always come 4 times to this August House for the same cause. But when it is related to the same function of banks, either under the cooperative society or regularly under the banks, we need to take this route. इस विधेयक में प्रावधान है कि बैंक खाता धारक अपने खाता के लिए 4 नॉमिनीज के नाम दे सकता है. मौजूदा समय में केवल 1 नॉमिनी होता है. लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 भी पेश किया गया. इस विधेयक में रेलवे परिचालन की क्षमता को बेहतर करने के लिए रेलवे बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है. इंडियन रेलवे एक्ट ऑफ 1890 को रिप्लेस करके 1989 का एक्ट लाए, उसमें एक ये कमी रह गई थी कि रेलवे बोर्ड को स्टैट्यूटरी पावर देने का जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए थे. एक उसके साथ सेविंग क्लॉज के जरिए से लिंक रखा था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ, लेकिन ये एक कमी थी जिस कमी को ये बिल के माध्यम से पूरा किया जा रहा है. इससे रेलवे बोर्ड के
कंप्लीट पावर्स एनहांस होंगे और रेलवे की एफिशिएंसी में इससे बढ़त मिलेगी। लोकसभा में इसके अलावा समुद्री माल ढुलाई विधेयक सहित दो बिल्स भी पेश किए गए। इन चार विधेयकों को सदन के पटल पर रखने के बाद भारतीय वायुयान बिल 2024 पर चर्चा पूरी की गई और इस विधेयक को लोकसभा से पारित कर दिया गया। HAL is manufacturing Hindustan 228, which is a 19-seater plane. Dhruv is there from HAL, which is a 14-seater helicopter. And also NAL is also making another plane. Now, if you add this, if you bring in these changes in the legislation, then the state of design, ICAO will recognize India as a state of design, which will improve our prospects globally also, sir. To bring in talent, which will attract in creating design here. And also whatever we design or manufacture, that is also going to be accepted worldwide also. गौरतलब है कि संसद का मौजूदा सत्र शुक्रवार को ही खत्म हो गया। उससे पहले जमकर विधायी कामकाज निपटाया गया। सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर प्रश्नकाल में कई अहम सवालों के जवाब भी दिए गए। कुमार आलोक, राजेश राज, अमरेंद्र गुप्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव से जुड़े बिल पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन हो गया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद होंगे। समिति अगले सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक रिपोर्ट देगी। इस बीच ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू का से मिलकर उनका अभिनंदन किया। वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव को लेकर सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में एक बिल पेश किया था, जिसे चर्चा के बाद संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला हुआ था। शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ने इस समिति का गठन कर दिया। समिति में 31 सांसदों को शामिल किया गया है। इसमें लोकसभा के 21 सांसद और राज्यसभा के 10 सांसद होंगे। समिति अगले सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट देगी। श्री जगदम्बिका पाल, 2 डॉक्टर निशिकांत दुबे, 3 श्री तेजस्वी सूर्या, 4 श्रीमती अपरजिता सरंगी, 5 श्री संजय जायसवाल, 6 श्री दिलीप सैकिया। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को JPC में भेजे जाने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद भवन परिसर में ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इसमें देश की तमाम दरगाहों के सज्जादा नशीन शामिल थे। संसद भवन परिसर में इन लोगों ने किरेन रिजिजू का जोरदार अभिनंदन किया। जितने भी है प्रमुख लोग आज मुझे मिले और सबसे बातचीत करने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि वक्स अमेंडमेंट बिल का जो प्रावधान है स्वागत किया। मुलाकात के बाद अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि इस कानून के अमल में आने के बाद वक्फ बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया है, ये एक लॉन्ग अवेटेड डिमांड थी। तमाम दरगाहों से जुड़ी हुई जो काउंसिल है, दरगाहों की डिमांड थी कि दरगाह बोर्ड भी उसमें बनाया जाए, दरगाहों को प्रतिनिधित्व भी मिले और एक अच्छा वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हो जिसमें भ्रष्टाचार दूर हो, जो पैसा है आता है वक्फ बोर्ड के उसका सही यूटिलाइजेशन हो। वैसे विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन आखिर क्यों विपक्ष 1995 के वक्फ एक्ट को बनाए रखना चाहता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी के कानून पर तमाम सवाल हैं। ताजा मामले में मुंबई के मीनारे मस्जिद ट्रस्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई है। ट्रस्ट ने शिकायत में वक्फ के CEO सहित उनके अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ट्रस्ट का आरोप है कि किस नियम के तहत एक मामूली डेस्क अधिकारी को CEO बना दिया गया, जबकि वो इसकी योग्यता भी नहीं रखता। ट्रस्ट का आरोप है कि मस्जिद को वक्फ से रजिस्टर्ड करने का पहले षड्यंत्र किया गया, अब उसकी कार्रवाई में CEO हस्तक्षेप कर रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ASI की 3 संपत्तियों को वक्फ के गिरफ्त से बाहर किया है। वक्फ की ओर से संपत्तियों के दावों की बात करें तो द्वारका के 2 द्वीप पर वक्फ ने अपना दावा ठोका था। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो और लैंको पर वक्फ ने अपना दावा ठोका था। यही नहीं, कोलकाता के टोलीगंज क्लब, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब पर भी वक्फ ने दावा ठोका है। हद तो तब हो गई जब वक्फ ने बेंगलुरु के 5 सितारा होटल ITC विंसर और तमिलनाडु के 1500 साल पुराने गांव पर अपना दावा ठोक दिया। लेकिन वोट बैंक की ताकत देखिए, तमाम दल पुराने एक्ट में कोई बदलाव नहीं चाहते। राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे चर्चा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार लूटपाट पर लगाम के लिए सरकार ने कमेटी गठित की है। इसी सिलसिले में खबर को देखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए DD न्यूज।
लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। Beautiful designs take time, लेकिन KYC update मिनटों में। KYC update अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। Registered email, registered mobile number, online banking से, आधार, OTP based eKYC से, या फिर video KYC से, यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के साथ ही भारत सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए गृह मंत्रालय का बड़ा कदम है। भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए समिति का गठन किया गया है। बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है। ये समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी, ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता ADG सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। गृहमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार हर संभव प्रयास करेगी ताकि बांग्लादेश में भारतीय और हिंदू समुदायों के हितों की रक्षा की जा सके। इस समिति को विशेष रूप से भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा और स्थिति पर नजर रखने का कार्य सौंपा गया है। बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था को बेहतर बनाना नवनियुक्त कार्यवाहक सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। शुक्रवार को बांग्लादेश में गृह मंत्रालय के सलाहकार ने कहा कि संघर्ष से त्रस्त राष्ट्र सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में चल रहे हालात को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की और कहा, बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है। यह समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी, ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता ADG सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार हर संभव प्रयास करेगी ताकि बांग्लादेश में भारतीय और हिंदू समुदाय के हितों की रक्षा की जा सके। इस समिति को विशेष रूप से भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा और स्थिति पर नजर रखने का कार्यभार सौंपा गया है। ये कदम हाल ही में बांग्लादेश में मची उथल पुथल के बीच उठाया गया, जिसमें भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई जा रही थी। सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर भारत आ जाने के बाद से जारी हिंसा में कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर बृहस्पतिवार को शपथ ली। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनुस को बधाई दी और बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद जताई है। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों के द्वारा लगातार हो रहे हमले पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कांग्रेस और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर कड़ा ऐतराज जताया। दुर्भाग्य ये है सर कि
नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहां पर आकर आप नहीं करते हो। देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली के खिलाफ और फिर सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर चली गई थी। बांग्लादेश में अफरा तफरी के माहौल के बीच यूनुस ने देश की बागडोर संभाली और उनके सामने फिलहाल देश में शांति बहाल करने और चुनाव कराने का जिम्मा है। दूसरी ओर शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने कहा कि उनकी अवामी लीग हार नहीं मानेगी, विरोधियों और अंतरिम सरकार के साथ बातचीत करने के लिए पार्टी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने अपनी कमान संभाल ली है और जिस तरह से लगातार हिंदुओं को लेकर अत्याचार हो रहा है उसी पर आधारित आज हमारा विशेष भी है, मोहम्मद यूनुस को कमान, भारत का संदेश, कट्टरपंथियों पर लगे लगाम। इस पर दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, आप बांग्लादेश में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर। पिनाक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से, प्रोफेसर साहब आपका भी स्वागत है। पिनाक जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे और आप भी जानते हैं जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को लेकर, जिस तरह के हमले हो रहे हैं, बर्बरता हो रही है, आज जो कमेटी गठित की गई है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, आप किस तरह से देखते हैं इस कमेटी के गठन के बाद से अंतरिम सरकार के साथ भारत सरकार की बातचीत और इन तमाम मुद्दों पर किस तरह से कमेटी आगे बढ़ेगी, क्या होगा कमेटी गठन से? कमेटी जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको मॉनिटर करेगी, उसकी लिस्ट बनेगी। लिस्ट थोड़ी बहुत बन चुकी है क्योंकि वहां पे बांग्लादेश में जो हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन ऐक्य समिति है, जो HBCOP कहते हैं, जो माइनॉरिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरह की सारी जैसी घटनाएं होती है उसको लॉग करती है, लॉग करके उसकी लिस्ट बना, वो लिस्ट तो हमारे हाई कमिश्नर साहब के पास भी होगी क्योंकि उस लिस्ट को किसी ने मुझे व्हाट्सएप भी किया है, वो मेरे पास भी। तो इस तरह के जो तथ्य हैं वो उनको संग्रह करना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ऐसी बातें हुई हैं और फिर उसमें उनकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन अगर कर सकें तो करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि भाई ये किसने किया, क्योंकि उन लोगों से बात करके एक लिस्ट बनेगी कि ये जो भी एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये किया है उनको तो मतलब दे हैव टू बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो हम तो ये मांग करेंगे, मेरे ख्याल में वो लोग फिर उस मांग भारत सरकार ये मांग करेगी, जो जो अंतरिम सरकार है उससे बोलेगी कि ये है लिस्ट या जो भी है, या अंतरिम सरकार को बोलेगी कि अंतरिम सरकार को भी मालूम है कहाँ कहाँ ये सब हिंसा हुई है। जी हाँ, अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस ने ये स्वीकार किया कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। पिनाक जी, क्या भारत सरकार इस बात का इंतजार भी कर रही थी, क्योंकि जिस तरह से तख्ता पलट हुआ उसके बाद उस रात से ही जो पूरा एक तरह से हिंदुओं के प्रति जो एक क्रूरता की शुरुआत हुई, क्या आपको लगता है कि अंतरिम सरकार के गठन के साथ कल रात को गठन हुई और पहला कदम एक तरह से भारत सरकार का ये है? हाँ, तो सरकार बनने के बाद ही ये डिसीशन लिए गए होंगे कि हम किस तरह से इसको टेकअप करें और बेसिकली वहां पे अराजकता फैल गई थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, पुलिस भाग गई थी, पुलिस तो अभी भी वापस नहीं आए हैं, वो तो स्ट्राइक पे है, आर्मी ने कुछ नहीं किया, आर्मी को कुछ करना चाहिए पर आर्मी क्या करेगी, वो अपना लॉ एंड ऑर्डर देख रही थी या जो भी था वो कर रहे थे और जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह या छोटे छोटे जगह है जहां पे ये सारी घटनाएं हो रही थी वहां पे कोई पुलिस नहीं थी, कोई सिक्योरिटी, तो ये जो भी एलिमेंट्स थे कट्टरपंथी या क्रिमिनल एलिमेंट्स जिन्होंने ये किया है, और बात ये है कि ये पहले भी हो चुका, जब भी इस तरह की घटना घटती है जो पॉलिटिकल अपहीवल होता है तो वहां पे हिंदू को टारगेट करते हैं, क्योंकि हिंदू असहाय है, उसके पास मतलब वो लड़ता नहीं है वापस, उसके पास जो भी जमीन है जो भी है उसको हड़पने के लिए लोग पहुंचा, क्योंकि ये एक तो गरीब देश है वहां पे जो जिसको इस तरह के माहौल में जो जिसका मतलब माल हड़प करना है वो करने की कोशिश कर, तो यही यही होता रहा है बांग्लादेश।
जी पिनाक जी, जिस तरह से आपने कहा कि हिंदुओं के साथ ये होता रहा है, प्रोफेसर संजय, हम जानते हैं सीएए कानून भारत सरकार लेके आई तो उसकी कट ऑफ डेट 2014 31 दिसंबर है। अगर हम 1971 की बात करें या फिर जब वेस्ट पाकिस्तान से हिंदू रिफ्यूजी आए थे, इन तमाम घटनाओं को आज करीब 50-55 साल से ज्यादा का वक्त हो रहा है, लेकिन हाल की ये घटनाएं जो बांग्लादेश में हो रही हैं, ये क्या बताती हैं? ये क्या बताती हैं कि दो देशों के संबंध क्या कहीं मायने नहीं रखते? आखिर क्या वजह है कि हिंदुओं को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है इन देशों में, इस्लामिक देशों में? देखिए, स्थिति जो बांग्लादेश में चिंताजनक स्थिति है निश्चित रूप से, और जैसे एम्बेसडर साहब ने साफ साफ कहा कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन होता है या तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है वो होती हैं, या फिर महिलाएं होती हैं, या फिर जो मॉडरेट सेकुलर लोग होते हैं वो होते हैं। और बांग्लादेश में ये जब जब हुआ है तब तक सबसे पहले जो 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 टारगेट हुए वो हिंदू कम्युनिटी रही है, उसके बाद में जो मॉडरेट सेकुलर प्रोग्रेसिव लोग हैं उनको टारगेट किया गया, महिलाएं भी रही है। तो ये बेसिकली एक ये कहिए कि मेजोरिटेरियन एक डिस्कोर्स है, और जो बांग्लादेश को धीरे धीरे जिस क्योंकि बांग्लादेश ने आपने 1971 की बात की तो बांग्लादेश का निर्माण इस्लाम और इस्लामिक राष्ट्रवाद पे नहीं हुआ था, उन्होंने रिजेक्ट किया था 1947 का राष्ट्रवाद, पाकिस्तान का राष्ट्रवाद। उन्होंने कहा हम सेकुलरिज्म रखेंगे, हम बंगाली राष्ट्रवाद रखेंगे, लेकिन कहाँ 1971 से आज 2024 तक आते आते आप देखिए कि कहाँ पे सेकुलरिज्म कहीं नहीं है, एकदम अत्याचार हो रहे हैं। प्रोफेसर संजय, आपने कहा कि मेजोरिटेरियन एटीट्यूड ये होता है, क्या भारत सरकार ने जो कमेटी बनाई है या इस अंतरिम सरकार के साथ जब भारत सरकार आगे बढ़ेगी बातचीत में और खासकर इन मसलों पर, क्योंकि अगर हम ये भी मान लें कि जो पिछले 4-5 दिन से जो घटनाएं हो रही हैं, अगर वो पलायन की तरफ नहीं भी अगर रुक करते हैं वो हिंदू, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटरिम सरकार जो है, इंटरिम सरकार के मुखिया कौन होंगे ये तय था, उसके बावजूद ये 4 दिन जो एक तरह से तांडव चला है वहां हिंदुओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि मेजोरिटेरियन एटीट्यूड कह के नहीं इससे निकला जा सकता है? और क्यों नहीं अन्य देशों की तरफ से, जैसे कि तमाम बड़े देश जो आतंकवाद को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माइनॉरिटीज को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी के मोटे मतलब सख्त स्वर अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं? देखिए, इसमें निश्चित रूप से भारत सरकार को, क्योंकि एक मुखौटा दिखाया जा रहा है कि बहुत प्रोग्रेसिव सेकुलर व्यक्ति को आपने चीफ एडवाइजर ऑफ केयरटेकर गवर्नमेंट बना दिया, लेकिन आप ये देखिए कि गवर्नमेंट में जो बाकी लोग हैं, जो 16 लोग हैं, वो कहाँ है, उनका क्या बैकग्राउंड है? आप देखिए वहाँ पे हिफाजत इस्लाम के लोग हैं, हिफाजत इस्लाम के लोग हर तरीके से इस्लामिक एजेंडाज को आगे बढ़ाते हैं, पिछले कई वर्षों से वो वायलेंस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट और जो जो कमेटी बनी है उसको पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहिए कि आप हमको इंश्योर कीजिए कि आप कैसे माइनॉरिटी कम्युनिटीज की सुरक्षा को इंश्योर कर पाएंगे, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि अब वापस से बांग्लादेश में जो 2001 से 2006 के बीच में जिस तरीके का तांडव हुआ था, वो तांडव का समय वापस आ गया है, और सिर्फ प्रोग्रेसिव जो फेसेस रखे गए हैं कुछ, वो सिर्फ वो खोटा है, असल में जो रेडिकल ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, और जो उनका तांडव देख चुके हैं, उन्होंने मुजीबुर रहमान की मूर्ति को उड़ा दिया, उन्होंने इंडियन कल्चरल सेंटर को वो कर दिया, राहुल आनंद के घर पे अटैक किया, और माइनॉरिटी हिंदू काउंसलर्स जो वहां पे हैं उनके घर को अटैक किया, वेंडलाइज कर दिया, लूटिंग हो रहा है, प्लंडर हो रहा है। ये सिर्फ कोटा मूवमेंट नहीं रहा, ये कोटा मूवमेंट एक कोज था, एक सोशल जस्टिस था, लेकिन इसके पीछे जो कट्टरपंथी जो ताकते हैं उनको दोबारा से रिवाइव करने का, दोबारा से इंस्टीट्यूशनलाइज वे में रिवाइव करने का एक मौका मिल गया। जब तक शेख हसीना थी, भारत सरकार का ये कमेटी गठित कर, और जिस तरह से भारत सरकार ने कहा है कि जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर आगे उन मसलों को बात करना है, बॉर्डर को लेकर बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये कमेटी उनके साथ बातचीत करेगी, आपको लगता है कि इंटरिम सरकार के आते ही भारत सरकार ने साफ अपना एक संदेश दिया है कि कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने की जरूरत होगी मोहम्मद यूनुस को? देखो भारत सेंसिटिविटी को समझता है, 4000 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, रिवराइन बॉर्डर है, गुंजाइश बहुत है कि वहां पे जो मैंने जो कहा कि जो मेजोरिटी का इनसिक्योरिटी है वो माइनॉरिटी। प्रोफेसर संजय, पिनाक रंजन जी से इस पे एक रिएक्शन ले ले। जी पिनाक जी, नहीं वो तो भारत सरकार ने तो ठीक ही किया है, क्योंकि यहाँ पे जो हम जो देख रहे हैं, देखिए आजकल के माहौल में डिजिटल और सोशल मीडिया के माहौल में सब कुछ पता चल जाता है, कोई छुपता नहीं,
तो इसलिए ये तो सब स्क्रीन पे आ जाता है या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाता है। तो इसलिए भारत सरकार को तो नेचुरली यहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियन है उसको रेस्पेक्ट करके भारत सरकार को तो ये करना था ही, और इसीलिए उन्होंने किया। और इस तरह से अगर हम नहीं करेंगे तो बांग्लादेश के जो जनता है और बाकी जो इस तरह के कुकाम करते हैं वो समझेंगे कि हमको कुछ नहीं होगा, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा, हम करते रहेंगे इस तरह की बातें। जो कट्टरपंथी हैं या जो धर्मांध लोग हैं जो समझते हैं कि ये बेचारे हिंदुओं को मारपीट के इनकी संपत्ति ले लो या कर लो, ये तो और भी आगे आ जाएंगे अगर हमने कुछ। विनाथ रंजन जी, इस पर आपका क्या विचार है कि जब हम देखते हैं कि भारत में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो वापस जाते हैं तो माइनॉरिटीज के दर्द के बारे में कहते हैं और तमाम ऐसे देश माइनॉरिटीज की आवाज के लिए कहते हैं, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर एक मुखर मजबूत आवाज वैश्विक मंच पे नहीं सुनाई दी है, क्या इसकी कमी दिखती है आपको? बिल्कुल कमी दिखती है। वो लोग समझते हैं कि माइनॉरिटी, जब हिंदू माइनॉरिटी पे अत्याचार होता है वो चुप्पी साध जा, क्योंकि उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है शायद उनके उसके विपरीत होता है। ये हिपोक्रेसी तो हमेशा हम देखते आए हैं। मैं तो जब से सर्विस ज्वाइन किया तब से देख रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी गाथा गाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब चुप है, देखिए सब लोग चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बड़ी बड़ी बात जो हम व्हाइट हाउस स्पोक्समैन और स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्समैन वगैरह से सुनते हैं, अब देखिए सब चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ ऐसा बोल देंगे कि हाँ वायलेंस नहीं होना चाहिए ये वो, पर वो हिंदू का नाम कभी नहीं लेंगे। पर अगर यही कोई दूसरा कम्युनिटी होता तो उसका नाम फट से आ जाता। ये इनका दोगलापन जो है ये हम लोग देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं। मौजूदा सरकार में पिनाक रंजन जी, जो अभी अंतरिम सरकार बनी है उसमें मोहम्मद यूनिस हैं और तमाम लोग जो उसमें अब शामिल होने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जमात इस्लामी का एक बड़ा हाथ है, बीएनपी का रुख को हम बहुत साफ तरीके से जानते हैं, ऐसे में क्योंकि आप कार्यरत रहे हैं लंबे समय तक बांग्लादेश, आप किस तरह से देखते हैं इसमें अल्पसंख्यकों की आवाज़, उनके हितों को कितना एक तरह से सुरक्षा दे पाएगी मौजूदा अंतरिम सरकार? अंतरिम सरकार का जो मुझे लगता है रवैया रहेगा वो थोड़ा बहुत बीएनपी और जमात की तरफ ही झुकाव मुझे दिख रहा है, कि जिस तरह के लोग वहां पे हैं, या ये ना कहूँ ये कहूँ कि जे वो एंटी अवामी लीग के की तरफ ही वो झुकेंगे, क्योंकि वो कई लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और मुझे मालूम है वो एंटी अवामी लीग है और उसकी वजह से वो शायद एंटी कुछ हमारी तरफ भी, मतलब उनका जो रुख है वो हो सकता है। तो इसीलिए हमको सतर्क रहना पड़ेगा कि वो किस तरह से पॉलिसीज बनाएंगे। खैर वो तो हम देख लेंगे, हमने पहले भी देखा है, हम उससे बातचीत जब करेंगे तो हमको वो सतर्क। पिनाक साहब, हिंदुओं के साथ इस्लामिक देशों में जो अत्याचार होता है उसमें जब हिंदू अपने देश भारत ही उसके लिए एकमात्र एक तरह से ठिकाना है, उसकी अपनी जमीन है, जब वो वापस लौटता है तो उसी के लिए सीए कानून बनाया गया है, लेकिन उसकी जो एक तरह से जो एक तारीख रखी गई है वो 31 दिसंबर 2014 है, क्या आपको लगता है कि सरकार को इन तमाम विकल्पों पर आगे सोचना पड़ेगा, जिस तरह का जो पूरा मतलब एक तरह से रूप बांग्लादेश का इस समय दिखाई दे रहा है उसमें? मैं समझता हूँ सीए का जब ड्राफ्ट बना था, मेरे विचार में पर्सनल कि वो ड्राफ्ट जो था वो शायद कुछ और तरह से बनता तो इतनी मतलब को उसमें परेशानी ना हो। अब परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज ठीक है आपने बोल दिया उसमें, फिर आपने कई देश के नाम लगाए, अगर देश के नाम हम नहीं लगाते, ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो हम आपके पास पूरी छूट रहती कि आप किसको सिटीजनशिप दें या ना दें, वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होता है, सिटीजनशिप हमारे सिटीजनशिप एक्ट के अंडर में होता है जिसका संशोधन हुआ था कि हाँ हम जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं हमारे देश में जो आए हैं घुस रहे हैं हम उनको अपनी सिटीजनशिप देंगे, ये बात थी बेसिकली। तो उसको हम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग कहाँ जाएंगे, ये तो और कोई जगह नहीं है जी, हाँ बिल्कुल, भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं देगा।
जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, जो बर्बरता की जा रही है, उसी पर एक तरह से लगाम लगाने के लिए और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को एक संदेश दिया है भारत सरकार ने इस कमेटी को गठित करके कि आगे की बातचीत को शुरू किया जाए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अंतरिम सरकार कुछ कदम उठाए, कट्टरपंथियों पर लगाम लगाए। देखते आने वाले दिन में इसके क्या नतीजे सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजय आपका भी और पिनाक रंजन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मसले पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, एमडीएच गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिला ही देते हैं। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याप सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याप भी बढ़ाता है। ले जाओ। देश का नंबर वन पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर वन मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा के लिए शनिवार को केरल के वायनाड का दौरा करेंगे। पीएम कन्नौर, वायनाड और अन्य भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे, जहाँ उन्हें बचाव दलों द्वारा राहत कार्यों की जानकारी दी जाएगी। पीएम राहत शिविर और अस्पताल में भूस्खलन पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। इस संबंध में पीएम एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां उन्हें घटना और चल रहे राहत प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उधर जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे चुनाव आयोग के दल का 2 दिन का दौरा पूरा हो गया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ ही पुलिस और प्रशासन के साथ भी विस्तार से बात की है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के लिए उपयुक्त वातावरण है। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत दखलंदाजी कर चुनाव प्रक्रिया को रोक नहीं सकती। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी के लिए 2 दिनों के दौरे पर गई चुनाव आयोग की टीम ने अपने दौरे में न केवल राजनीतिक दलों बल्कि पुलिस और प्रशासन के साथ विस्तार से बात की। दौरे के आखिरी दिन शुक्रवार को जम्मू में संवाददाता सम्मेलन में आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त वातावरण है और कोई भी अवरोध इस चुनाव की प्रक्रिया को रोक नहीं सकता। आपने जो बुनियाद बनाई है, अब उस पर बुलंद इमारत सजानी है। नई मंजिलें, नए आसमान को पाना है और गोया समय अब आ गया है। और कोई भी अंदरूनी ताकत या बाहरी ताकत अगर दखल अंदाजी करके सोचती है कि हम चुनावों को डिरेल कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। वी आर कमिटेड टू कंडक्ट इलेक्शंस एट द अर्लीस्ट। वी आर श्योर पीपल ऑफ J&K विल गिव ए बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू डिसरप्टिव फोर्सेस। अपने 2 दिनों के दौरे के समय चुनाव आयोग की टीम ने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों, सुरक्षा अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों सहित तमाम पक्षों से बात की।
जिससे आगामी विधानसभा चुनाव को बेहतर करने से संबंधित जानकारी हासिल हो सके। आयोग ने कहा कि 9 राजनीतिक दलों ने एक सुर में चुनाव आयोग की प्रशंसा की। वे सभी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार बने। सभी राजनीतिक दलों ने कहा कि वे सबको समान अवसर और सभी की बराबर सुरक्षा चाहते हैं। राजनीतिक दलों ने मांग की कि सभी बूथ को सीसीटीवी से कवर कराया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के लिए जुनून देखने को मिला। इससे लगता है कि लोग चुनी हुई सरकार के लिए आगे आ रहे हैं। आयोग ने कहा कि विस्थापितों के लिए मतदान की सहूलियतें बढ़ाई जाएंगी। 2 किलोमीटर के अंदर बूथ की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आयोग ने कहा कि फेक न्यूज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 20 अगस्त तक मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। जनरल इलेक्शन में पार्लियामेंट के अमन की जो दास्तां यहां आप सब लोगों ने मिलकर बयां की है, लंबी लंबी कतारें में जो जमहूरियत को आगे बढ़ाने के जो ख्वाब आपने देखे और हम सबको दिखाए हैं पूरी दुनिया को, उनको चुनावों के जरिए आपको अपनी चुनी हुई सरकार देकर अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है। आयोग ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग निरंतर ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करता रहा है जिससे उन्हें मतदान में सहूलियत हो। चुनाव आयोग ने 2 दिनों का जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उन सभी पक्षों से बात की जो चुनावों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। निश्चित तौर से चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस वार्ता में एक बात को और स्पष्ट कर दिया कि कोई भी अवरोध अब चुनावों को रोक नहीं सकता है। कैमरामैन जगमोहन के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, जम्मू। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए एमडीएच का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटवा ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। सर, आप बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप पॉलिसी बाजार क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। यह अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल भी इस अभियान की शुरुआत कर दी है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। आजादी के महापर्व को विशेष बनाने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स की DP पर तिरंगा लगाकर की। साथ ही PM ने लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया। PM मोदी के अपील से प्रोत्साहित होते हुए गृह मंत्री अमित शाह, BJP अध्यक्ष JP नड्डा, विदेश मंत्री S जयशंकर और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने अपनी DP बदलकर तिरंगा लगाकर लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की। इसी के साथ केंद्र सरकार ने राज्यों से राष्ट्र ध्वज तिरंगे को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने और तिरंगे से लोगों को जोड़ने से जुड़ी गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में मणिपुर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में हर घर तिरंगा अभियान की गूंज देखी जा रही है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, इनकी संकल्पना से हर घर तिरंगा ये अभियान शुरू हो गया। आज ये अभियान इतना बड़ा हो गया है कि ये एक क्या कहते हैं क्रांति
के रूप में हम देख रहे हैं और ये तिरंगा झंडा हर एक के हाथ में हम देख रहे हैं। इसी तरह मणिपुर के सेनापति जिले में जिला प्रशासन ने एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड में तिरंगा यात्रा, तिरंगा प्रतिज्ञा और तिरंगा कैनवास का शुभारंभ किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में हर घर तिरंगा अभियान की अनोखी झलक देखने को मिली। मथुरा वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त शशांक चौधरी के अनुसार वहां महिलाओं ने 2000 तिरंगे तैयार किए हैं। इससे एक ओर जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोग उनसे तिरंगा खरीद कर अपने घर प्रतिष्ठानों पर लगा रहे हैं और इस अभियान से जुड़ रहे हैं। इसी के तहत राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने पुलिस लाइन से शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस अभियान को मातृभूमि के सम्मान के प्रति समर्पित बताया। वास्तव में तिरंगा यात्रा देशभक्ति के लिए और झंडे के राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में ये यात्रा है। निश्चित रूप से पूरे देश भर में इसको लेकर अच्छा वातावरण है। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही 2022 में शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान में 2022 में कुल 6 करोड़ लोगों ने तिरंगे के साथ अपनी फोटो मंत्रालय के साथ साझा की थी, जबकि साल 2023 में 10 करोड़ लोगों ने अपनी फोटो तिरंगे के साथ भेजी थी। इस साल ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इस अभियान का उद्देश्य वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर माँ भारती को सम्मान देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। mutualfundsahi.com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रिटेन पिछले 2 हफ्तों से जारी अल्पसंख्यकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के चलते हाई अलर्ट पे है। इस बीच ब्रिटेन की लीड्स क्राउन कोर्ट ने दंगे में भाग लेने वाले 4 लोगों को दोषी ठहराया है। वहीं एक आरोपी को हिंसा फैलाने के लिए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। ब्रिटेन के लीड्स क्राउन कोर्ट ने 4 लोगों को दंगों में भाग लेने के आरोप में दोषी ठहराया है। एक आरोपी को दंगों के दौरान हिंसा फैलाने के लिए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि ब्रिटेन में बीते 2 हफ्तों से अल्पसंख्यकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि अभी भी संभावित प्रदर्शनों और अशांति की आशंका के मद्देनजर देश में हाई अलर्ट जारी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने स्थिति का जायजा लिया है, साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं से मुलाकात कर पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। Really important that we maintain high alert. पुलिस और अन्य प्रशासन को मैं उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने के लिए आदेश देता हूं। मैं पुलिस नियंत्रण कक्ष से स्थिति का जायजा ले रहा हूं। पुलिस की तैनाती से जल्द ही स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि हमें अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए सतर्कता बरतनी होगी। लिवरपूल में हो रहे दंगों के मद्देनजर सामुदायिक नेताओं ने दंगाइयों और असंतुष्ट निवासियों से बातचीत करने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि केवल सजा देने से समुदाय के बीच का विभाजन खत्म नहीं किया जा सकता है। My instinct personally
व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि हमें बातचीत के जरिए कोई तरीका खोजना होगा। मैं एक सत्य और सुलह आयोग के गठन की मांग करता हूं। इस आयोग में समुदाय के लोग, लिवरपूल सिटी काउंसिल, स्थानीय सांसद और मर्सीसाइड पुलिस के अधिकारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। हम सभी को एक साथ जुड़ना चाहिए, नहीं तो ऐसी और हिंसा घटनाएं होती रहेंगी। नस्लवाद के खिलाफ काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने कई दिनों से चले आ रहे दंगों को रोकने के लिए लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है। हालांकि लोगों के बीच फैली घृणा की भावना को खत्म करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। मेरे मुस्लिम पड़ोसी मेरे भाई बहन हैं। अगर उन पर हमला हो रहा है तो वह मुझ पर हमला हो रहा है। हमारा समाज तमाम संस्कृतियों के कारण समृद्ध है। मैं यहाँ आने वाले अप्रवासियों के लिए स्नेह की भावना रखती हूँ। ब्रिटेन में दंगे तब भड़के जब साउथ पोर्ट में चाकूबाजी की घटना में 3 युवतियों की हत्या करने वाले हत्यारे की पहचान मुस्लिम अप्रवासी के तौर पर बताई गई थी। इसके कारण हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें अप्रवासी और नस्लीय अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया था। वहीं 30 जुलाई से ब्रिटेन के कई हिस्सों में सरकार की अप्रवासन नीति के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दंगे भड़काने के मामले में 480 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। छोड़े जा रहे हैं आपको कुछ और बड़ी खबरों के साथ, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। भाजपा के SC/ST के सांसदों ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने ये मुलाकात SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान को लेकर की। सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर बनाने के फैसले के बाद ये अहम मुलाकात हुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम ने 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया है, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में लगभग 1,000 गुना वृद्धि दिखाता है। जेम पर अपनी स्थापना के बाद से वस्तुओं और सेवाओं के लिए संचयी सकल व्यापारिक मूल्य 30 जुलाई तक 9.82 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में जेम का सकल व्यापारिक मूल्य 422 करोड़ रुपए था। विज्ञान भवन में भारत दलहन संगोष्ठी 2024 का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में देश भर से जुड़े हित ग्राहकों ने हिस्सा लिया। आयोजन में भविष्य में भारतीय दलहन क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों, उनका समाधान के अलावा स्वदेशी दलहन उत्पादन बढ़ाने और दलहन की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने की दिशा में रूपरेखा बनाने पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। वर्तमान और भावी पीढ़ी को काकोरी व स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथा से परिचित कराने के लिए राज्य सरकार काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर आज से काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन कर रही है। लालू प्रसाद न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो।